आप सभी को क्रांतिकारी जोहार। आज दिनांक 18 जुलाई 2023 को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जाडोल उपखंड कार्यालय में तहसीलदार साहब को बिल प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया है कि बिल प्रदेश जो अलग राज्य की जो मांग है, हम देश की अखंडता में विश्वास करते हैं। साथ ही ब्रिटिश काल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, उसमें राज्यपालों को कई जिम्मेदारियां दी थी कि भाई आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है उनका बचाव करना है। वो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संविधान में जब संविधान लागू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 की प्रावधान के आधार पर ही पांचवी और छठी अनुसूची का छठी अनुसूची बनाई गई। वहां पे सभी पांचवी और छठी अनुसूची का जो संरक्षक बनाया वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को बनाया गया। लेकिन कई ऐसी नीतियां, कई ऐसे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत राज्यपाल को अपने अधिकारों से काम करने से रोका गया। बारी बारी से ऐसे कई जो अधिकार आदिवासियों को मिले लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे कई अधिकार हैं जो हमें नहीं मिले हैं। हमारी मांग है कि जो डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं और जो हमको डिवाइड किया, आज़ादी से पहले बिल समुदाय एक था लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान चार स्टेटों में डिवाइड हो गया। बिल प्रदेश मांग हमने कहीं लगातार वर्षों से उठा रहे हैं। कहीं ऐसी जो कार्य प्रणाली बनी है जिसमें कहीं जो चाहती हैं कि हमारे जैसे कई अधिनियम बने जो हमारे फेवर में थे, पैसा कानून था लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाया। और देवर कमीशन रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि आदिवासी इलाकों में विकास और शराब एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसे कई मुद्दे हैं जैसे कि हम हमारी भाषा और संस्कृति का संरक्षण चाहते हैं और हमारा भील समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है राष्ट्र लेवल पर चाहते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम लगातार ये मांग कर रहे हैं, बिल प्रदेश अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जय चौहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय चौहार का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे, जीतेंगे।